प्राचीन भारत, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक काल, क्या है, वैदिक काल। तो वैदिक काल जो है इसको वैदिक युग भी बोलेंगे। तो वैदिक युग का जो काल है ये काल निर्धारण 1500 से 600 BC पूर्व, बीसी पूर्व मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब हम लोग बात करते हैं कि वैदिक काल को अध्ययन के दृष्टि से तो वहां फर्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक पूर्व वैदिक काल, सेकेंड है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल जो था पूर्व वैदिक काल वो 1500 से 1000 BC था और उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 BC। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल का विभाजन का मुख्य आधार क्या था। तो ये पुराणों का युग के अनुसार हम लोग चलेंगे। जो पुराण है हमारा टोटल कितने पुराण है, 18 पुराण, ठीक है, तो 18 पुराण चार लोग। तो ये 18 पुराण में से हमारा ये सबसे बड़ा जो है वैदिक काल वाला पुराण के हिसाब से, तो ये हमारा मिलता विष्णु पुराण, ठीक है। तो पुराणों में चार युग होते हैं और ये कैसे युग है, तो सबसे पहले सतयुग, फिर दूसरा है त्रेता, फिर तीसरा है द्वापर और चौथा है कलियुग, ठीक है। इसके बाद ये चारों युग को मिलाकर के बनता है कल्प, क्या बनता है, कल्प। कल्प के बाद ये बनता है मानव, मानवंतरा, मानवंतरा के बाद बनता है 71 मानवंतरा मिलके बनते हैं दिव्य युग। और अभी तक जो है संसार लास्ट चलेगा वो चार दिव्य युग तक, इसके बाद दिव्य युग खत्म, फिर से सृष्टि की नई रचना। साथ में अगर हम लोग देखेंगे कि युग जो है वो कैसे हुआ, तो सतयुग जो था वो कैसा था, 4,32,000, पृथ्वी का जो एज है वो 4,32,000 इंटू 4 चार गुना, तो ये हो जाएगा आपका 1,00,000, ठीक है, आपका 17,28,000 वर्ष। उसके बाद त्रेता जो था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 12,96,000। उसके बाद फिर आया द्वापर, तो ये हो गया 8,64,000, वो से मल्टीप्लाई। फिर कलयुग जो चल रहा है वो 4,00,000 से, तो यानी 4,32,000 वर्ष तक कलयुग का काल है, ठीक है, स्टॉप।